हेलो फ्रेंड्स आर यू ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स देखिए ये इस बार मैं लेके आई हूँ व्यू हमारे खजियार का ये बहुत ही ख़ूबसूरत है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और ये सारे देवदार के ट्रीज हैं बहुत डेंस फॉरेस्ट है एंड वेरी ब्यूटीफुल व्यू सो so फ्रेंड्स आज मैं आई हूँ आपके साथ एक और नई रेसिपी लेकर जिसका नाम है सांभर ये हर घर में बनाई जाती है बहुत इजी है बनानी और स्पेशली मेरे स्टाइल जो मैं बनाऊँगी उस स्टाइल में तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है फुल ऑफ न्यूट्रिशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनाए जाते हैं सबसे पहले मैंने ली है ये अरहर की दाल मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था फिर मैंने हैंडफुल ऑफ फ्राइसपीस ली हैं उसको मैंने रफली चॉप किया है कैरेट ली है एक उसको भी मैंने रफली चॉप किया है ऑयल लिया है फॉर कुकिंग एक मैंने लिया है एक अनियन uh, स्लाइसड और मैंने लिया है घिया छोटा सा उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है जिंजर गार्लिक की चॉप्ड लिया है मैंने और ये सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल और क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से भी दे सकते हैं ये मैंने लिया है सांबर मसाला एमडीएच वालों का आप कोई सा भी ले सकते हैं किसी ब्रांड का भी और ये तड़के के लिए मैंने लिए है लाल साबुत मिर्चे और कड़ी पत्ता अब हम हाइसेस की तरफ आते हैं सबसे पहले लिया है मैंने सौंफ फिर मैंने टर्मरिक फिर राई फिर मैंने लिया है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट फिर रेड चिली पाउडर है वन एंड हाफ टी स्पून और जी आ, ये धनिया है धनिया मैंने दर्रा पीसा है ये है इमली इमली हम अपने अकॉर्डिंग ले, ले सकते हैं मैंने दस से बीस ग्राम ली है और गुड़ मैंने दस ग्राम लिया है फिर मैंने ली है ये हेंग और आइए अब हम इसका प्रोसीजर बना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक वॉक ली है वॉक में मैं एक कर्ची छोटी वाली ऑयल की डालूंगी ऑयल की डाल के फिर इसको मैं थोड़ा गर्म करूंगी फिर उसमें मैं डालूंगी हमने जो हींग ली थी आधा ढक्कन हींग का आधे से भी कम ढक्कन हींग का लूँगी तकरीबन दो चुटकी फिर मैं इसको मिक्स करूँगी उसके बाद मैं इसमें डालूँगी राई मैंने ये सारे स्पाइसेस एक ही प्लेट में पहले जो इंटायर डिश में मुझे चाहिए मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिए थे आप अप, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे आप भी ऐसे ही करिएगा फिर हम इसको राई डाल के मैंने मिक्स किया अब ये जब राई क्रैकल होनी स्टार्ट हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे सौफ़ सौफ डालने uh, से जो uh, हमारा सांभर का टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है फिर मैंने इसमें डाला है साबुत धनिया जो दर्रा पीसा है मैंने फिर मैंने डाले है इसमें अनियन जो स्लाइसड अनियन्स हैं अब हम इसको भुनेंगे हमने इसको सारा कंप्लीट कुक नहीं करना क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुक भी देना सिर्फ़ हल्का इनको सौते टाइप करना है अब मैंने इसमें डाला है ये घिया फिर हम इसको मिक्स करेंगे घी भी मैंने रफली चॉप किया एक छोटा सा लिया था मैंने फिर इसमें डाला है जिंजर गार्लिक की जो अपना चॉप्ड जिंजर गार्लिक है वो डाला है मिक्स करेंगे फिर मैंने इसमें ऐड करनी है ये कैरेट ये भी रफली चॉप्ड है। वन होल कैरेट थी रफली चॉप्ड है फिर साथ ही मैं डालूँगी ये बीन्स ये भी रफली चॉप्ड है हैंडफुल और देन वील गिवन मिक्स टू देम इनको हमने प्रॉपर कुक नहीं करना जस्ट टू टू थ्री मिनट्स हमने इसको सौते करना है फिर मैं इसमें डालूंगी टर्मरिक हल्दी फिर रेड चिली सॉल्ट देन आई गिव अ मिक्स टू इट और इसमें हल्का सा मैं पानी भी डालूंगी ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हमारी सब्जियों के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए और इनका फ़्लेवर अच्छे से सब्जियों में इन्फ्यूज़ हो जाए दो मिनट में ढक के पकाऊंगी ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने इसको कुकर में भी विसल दिलवानी है फिर मैंने कुकर लिया उसमें मैंने जो लेंटल्स संवारे थे ये जो अरहर की दाल थी वो भिगो के रखी थी हम इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही जो हमने जो ये वेजिटे वेजिटेबल्स थी ये सोते की थी हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे एंड मिक्स करेंगे फिर इसमें हल्का सा और पानी डाल के हम इसको विसल दिलवा देंगे पानी डाला मैंने थोड़ा अब हम इसको ढक के विसल दिलवा देंगे हमने इसको तकरीबन पाँच से छः विसल दिलवानी है पहली हाँ दो विसल्स हमने इसको फुल गैस पे दिलवानी है और बाकी की जो तीन चार से पाँच विसल्स हैं वो हमने सिम गैस पे स्लो गैस पे हमने इसको दिलवानी है जब तक हमारा ये विसल तैयार होगी बनेगी तब हम नेक्स्ट प्रोसीजर के और चलेंगे हमने जो ये इमली ली थी इसको हम गर्म पानी में भिगोएंगे ताकि जो ये इमली है अपनी सीड्स छोड़ दे और बिल्कुल ये पैप की फॉर्म में आ जाए हम इसको गर्म पानी में भिगोएंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको ढक के पका देंगे देखिए विसल तैयार हो गई है हमारी दस से पंद्रह मिनट भी हो चुके हैं अब हम ने ये अच्छे से मैश करके जो हमारी इमली थी इसको पल्प निकाल लेंगे हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे अब देखिए हमारी विसल भी पूरी सारी कंप्लीट हो चुकी है दस पाँच से छः विसल्स बच चुकी हैं और हमारा जो ये सांभर है ये रेडी हो चुका है अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे तड़के के लिए मैंने एक छोटी कढ़ाई ली है वॉक लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ऑयल में मैं डालूँगी हमारी ये लाल साबुत मिर्चें और फिर और साथ ही डालूँगी मैं ये कड़ी पत्ता क्रैकल होगा तो फिर मैं इसमें राई राई डालूँगी राई डालने के बाद मैं इसमें तो लाल मिर्ची डालूंगी जो बची थी और हल्दी डालूंगी और साथ में ही मैं डालूंगी जो हमने आ, मैंने एम का सांभर मसाला लिया था आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं ज़रूरी नहीं एम का ही लेना है मुझे पसंद है एम का फ्लेवर तो फिर मैं इसलिए यही लेती हूँ सांभर मसाला और जैसे ही सांभर मसाला डाला मैंने उसी टाइम ही मैं गैस बंद कर दूंगी नहीं तो हमारा मसाला जो है वो जल जाएगा अब मैं उस मसाले को हमारे सांभर के सांभर में ट्रांसफ़र कर दूंगी और मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि जो हमारा तड़का है वो हमारी लेंटल्स के साथ बाकी के उस चीज़ों के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए और फिर हमने जो ये आ, हमारी इमली का पानी है ये तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे और साथ में ही हम इसमें गुड़ डाल देंगे क्योंकि हम मेरी फैमिली को बैलेंस्ड पसंद है अगर आपको खट्टा पसंद है ज़्यादा तो फिर आप गुड़ मत डाल गुड़ नहीं भी डाल सकते आप स्किप कर सकते हैं मेरी फैमिली को पसंद है थोड़ा बैलेंस तो हम मैं डालती हूँ और फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता रॉ कड़ी पत्ता डालने से हमारे जो सांब, सांबर का फ्लेवर है ये और इन्हांस होता है और मज़ेदार होता है और इसकी एकदम एक, एक प्रोमिनेंट सी खुशबू आती है अब देखिए अब पक रहा है हमारा और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है अब हम इसको डिश आउट करेंगे और, और मैंने गार्निश किया है इसको आ, कड़ी पत्ता के साथ आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया भी डाला है तो फ्रेंड्स हमारा सांभर बन के बिल्कुल तैयार है बनाइए अपनी फैमिली को खिलाइए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फैमिली को ये कैसा लगा सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टेट ऑन माई चैनल डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए शबक खैर